नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस देख के थोड़े से डरावने लगेंगे, डरावने लग रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके, इसीलिए मैं कहा था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। बट कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सो मैं वन बाय वन लेके चलता हूँ, वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो 17 देखते हैं, देखिएगा इसमें कुछ है नहीं। दैट इज व्हाट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द मेटाबॉलिक एनर्जी। एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.005 एंड इट्स इंट्रा सेलुलर इज 0.5। The least amount of energy that cell would need to spend the transport of the biomolecule to outside कितना हो? From outside to inside. From outside to inside. हमेशा याद रखना कि product upon reactant की बात होती है, ठीक है जी। हमेशा याद रखना, कभी भी जब सेल के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा एक चीज को याद रखना, क्या कि कोई भी जब सेल होता है तो सेल में हमेशा जब सबस्ट्रेट होता है तो प्रोडक्ट होता है, और के की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, के की वैल्यू यही होती है। अगर ये क्या है, आउटसाइड से इन की तरफ आ रहा है, आउटसाइड से इन, तो यहां पे ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इन बाय आउट होगा के की वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है 2.303 लॉग आरटी, लॉग सॉरी 2.303 आरटी। इसको मैं 2.303 यूज करो या एलएन यूज करो, दैट इज व्हाट, दैट इज आरटी एलएन इन बाय आउट, सिंपल जो मैं जनरली यूज करता हूं एलएन की, ठीक है जी। इन बाय आउट रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू क्या रखोगे, वैल्यू दिया हुआ है आर की 1.98, टी की वैल्यू दिया हुआ है 298, इन की जो वैल्यू है, इन की वैल्यू 0.5 और आउट की वैल्यू है 0.005, ठीक है। सो यहां पे रख दिया आपने आर की वैल्यू 1.98, इसकी वैल्यू रख दी 298, एलएन हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.005। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये आपका 100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1.98 into 298 ln 100 है, ये 100 के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये 1.98 into 298 into 2 into 2.303, ठीक है। चलो इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है जी, ये कितनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे, क्या ये 26,000 के आसपास आ रहा है, 26,000 के आसपास आ रहा है। ln 10 will be 2.303, लेकिन 2 इसलिए रखा है क्योंकि 10 2 ऊपर चला जाएगा, बाहर आएगा, पावर में आ जाएगा, इसको हम करेंगे तब। ये वैल्यू ln 100 जो होता है, ये ln 10 स्क्वायर भी होता है, 2 बाहर आ सकता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 ln 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका नियर अबाउट सॉल्व करोगे तो 26 किलो के आसपास आएगा, 26 किलो कैलोरी, ठीक है। 26 से 27, वॉट एवर आंसर, 26 से 27 रेंज जो दिया है गेट एग्जाम में, द रेंज जो इन्होंने दिया है वो 26 टू 28 दिया है, तो आप इसमें से इसी के बीच में आएगा 27 के आसपास, ठीक है, जो आएगा 27.1 इसी के रेंज में, इन्होंने नेट टाइप का क्वेश्चन है, रेंज में आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एन कंटीन्यूअस कल्चर बीइंग कैरिड आउट, इन्होंने दिया है SF, दैट इज 10 ग्राम पर लीटर, और ये क्या है, डिस्क्राइब किया जा रहा है एक्स बायोमास, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट स्टराइल फीड जो है वो 10 ग्राम पर लीटर है, यील्ड की वैल्यू दिया हुआ है, फ्लो रेट ऑफ द फीड 5 मिलीलीटर पर मिनट है, कांस्टेंट है, इफ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज 0.3 S1+S देन स्टेडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करिएगा, जो लोग लर्न किए हैं, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी है वो तो तुरंत कर जाएंगे, लेकिन जो लोग आपके
नॉर्मली है इस क्वेश्चन में, ये बायो प्रोसेस का कीमोस्टेट का कॉन्सेप्ट होता है जी, इसको बोलते हैं कीमोस्टेट का कॉन्सेप्ट। इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया है, दैट इज द म्यू इज इक्वल टू 0.3S1+S, यही इक्वेशन दिया है सी, यही इक्वेशन दिया है 0.3S1+S। अब इसमें मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, जो समझ गए समझ गए, नहीं समझे नहीं समझे, ठीक है, बहुत इजी है। देखिएगा क्या बताता हूं कि ये जो इक्वेशन इन्होंने दिया है, पहले दिया है कि S की वैल्यू दी है, SF की वैल्यू दी है 10 ग्राम पर लीटर, फ्लो रेट की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज व्हाट द 5 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम देखना कितना रिएक्टर का दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, 3 लीटर दिया हुआ है, और इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सब्सट्रेट पूछा भी है ग्राम पर लीटर में, तो हम इसको फ्लो रेट को पहले मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम दिया है दैट इज व्हाट द 3 लीटर दिया हुआ है। अब एक आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन बता दूं, आर यू लिसनिंग मी? सो देखिएगा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आता है, कभी भी जब किसी रिएक्टर में हम माइक्रोब को ऑपरेट करते हैं ना, वहां पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू डी। म्यू इज अ ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट एंड डी इज नोन एज द डाइल्यूशन रेट, किस हिसाब से डाइल्यूशन कर रहे हैं उस रिएक्टर में। म्यू इज इक्वल टू डी एंड डी इज नोन एज फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम होता है, यही होता है म्यू की वैल्यू, और यही हो जाएगा 0.3S1+S। बाकी आपको पता है, बस पुट करना है अब इक्वेशन को। एफ की वैल्यू क्या रखोगे, 5 ml है, सब कुछ लीटर में, तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ - 3 लीटर पर मिनट। समझ में आया? -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू 0.3S+1+S, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जरा से इधर मल्टीप्लाई कर देना और इसको इधर कर देना, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻³S इज इक्वल टू 0.9S, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, इसको ले जाके माइनस करोगे 5 × 10⁻³, 5 × 10⁻³ ये जाएगा इधर, दैट इज 0.9S - 5 × 10⁻³S। अब यही कैलकुलेशन रह गया, इसको फिर इधर भेजोगे आप, यहाँ पे जब इधर भेजोगे ये नियरली 0.9 के आसपास ही आने वाला है, 0.899 समथिंग आएगा, ठीक है। सो S की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय जब अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.899 समथिंग लाइक दैट। ये आंसर कितना आएगा जी, आंसर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए 1.2। ओके, मिस्टेक की बात करता हूं, चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूं इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट देख लेता हूं इस क्वेश्चन में क्या हो रखा था, क्वेश्चन किस तरीके से मूव कर रहा था। दैट इज व्हाट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यील्ड दिया है, फ्लो रेट दिया है 5 मिलीलीटर पर मिनट, म्यू की वैल्यू दी हुई है, सबस्ट्रेट का 10 ग्राम पर लीटर है, वॉल्यूम 3 लीटर है, ठीक है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर, फ्लो रेट जो है वो 5 मिलीलीटर पर मिनट है, मिलीलीटर पर मिनट है। नाउ उसके बाद करते हैं, वॉल्यूम ये दिया हुआ है, मिलीलीटर पर मिनट दिया हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है, म्यू है 0.3S1+S, अगर इसको हम लेके जाए तो ये कुछ इस तरीके से, इस पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा म्यू प्लस म्यू एस इज इक्वल टू 0.3S। अब म्यू को इधर भेज देना, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.3S - μS, एस एस को कॉमन ले लो, एस को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 0.3 - μ × S, ये आ जाएगा आपका यस इज इक्वल टू म्यू अपॉन 0.3 - μ, दिस इज व्हाट द थिंग। अब फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम के ऊपर बात करता हूं मैं, फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, अगर मैं यहां पे बात करूं फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला आ जाएगा, जब यहाँ पे सीधे सीधे ये फॉर्मूला है म्यू अपॉन यू, तो फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू म्यू। फ्लो रेट कितना आ रहा है, फ्लो रेट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सो ये आपका आना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूं माइनस 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 दैट इज व्हाट, ठीक है, मिनट। ये जब हम मिलीलीटर टू मिनट कन्वर्ट करते हैं, एक चीज जरा सा मुझे एक बात बताइए, तो 5 इंटू
फाइव इंटू 10^-3 इंटू, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 660, अगर 60 की बात करें तो कितना आ जाएगा जी, 300 इंटू 10^-3, दैट इज वर्थ द 0.3। यह आ जा रहा है 0.3। ओके चलो आ गया, आ गया आंसर जो आना था। क्या करना है कि बस कुछ करना नहीं था इसमें, इस 5 मिलीलीटर को आपको लीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लीटर पर आर में कन्वर्ट होता है, यही यूनिट कन्वर्जन करना है, अगर मिलीलीटर पर मिनट या और लीटर पर आर होता है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली, जब लीटर पर आर में इसको कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10^-30 और 60 से यहां से ऊपर जाएगा, ये 1/60 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू आएगा 0.3, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज व्हाट द 0.3 लीटर पर आर, ये आएगा इतना पर आर आएगा। अब इसको रखोगे 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, दैट विल बी 0.1। अब ये रहा आपका डी की वैल्यू, इस वैल्यू को रखो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस 0.1, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट इज नियरली 0.5। क्लियर है, लीटर पर आर में कन्वर्ट करना था, यही यूनिट कन्वर्जन था बस यहाँ पे, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप, न्यू की वैल्यू दिया हुआ 0.1, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है कि 10^6 से 10^8 में जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, वही आपसे पूछा है अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट। अगर मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करता हूं कि एन नॉट जो दिया है वो दिया है 10^6, एन जो दिया है वो 10^8 दिया है, आपका म्यू की वैल्यू जो दिया है 0.1 दिया है, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला होता है 1/μln(n)/n0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज 1/0.1 ln 100 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4.6/0.1, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे ln 100 की वैल्यू होती है, ln 100 की वैल्यू होती है दैट इज द ln 2 ln 10, इसको सॉल्व करोगे 2 × 2.303 दैट इज द 4.6, इसको सॉल्व करोगे तो याद आएगा 46। क्लियर है, इट्स इजी, 46 आर या मिनट जो भी इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू पर आर में दिया है तो आर में आ जाएगा, इतने घंटे आएंगे 46 आवर्स। नाउ दिस इज फॉर द 18 के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करिएगा, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टोचियोमेट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड इन द सेल, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इफ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड इज डेल्टा जी नॉट, इतना दिया हुआ है, द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इफिशियंसी पूछ रहा है कि कितना एफिशिएंसी होगा जब डेल्टा जी का एटीपी हाइड्रोलिसिस यहां पे पूछ दिया जा रहा है, तो डेल्टा जी का एटीपी, देखिए कितने एटीपी की जरूरत लग रही है, 2 एटीपी की, तो इसमें यानी 1 एटीपी का 7.3 होता है, पहले दोनों को किलो कैलोरी में चेंज कर लो, ठीक है, करना क्या है देखना, डेल्टा जी है ये है 47,000 यानी 47 किलो कैलोरी, यही है, और यह 7.3 किलो कैलोरी, और 2 एटीपी की जरूरत है, अगर मैं सिंपली यहां पे बात करूं तो 2 एटीपी की जरूरत है, 2 एटीपी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 × 7.3, सो ये आ जाएगा 14.6 किलो कैलोरी। अगर मैं यहां पे परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर की बात करता हूं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है 14.6, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 2 एटीपी बन रहा है, यानी जो ट्रांसफर हुआ है इतने एनर्जी से इतना हुआ है, और टोटल कितना था 47 × 100, डिवाइड करके बताना जी कितना जाएगा, ये 30% के आसपास आएगा, 30.5% के आसपास आएगा। Hey guys, my name is Friend Singh.